महल मना रे, आँख बना ले, महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दबंदे आ पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। सब कुछ है यही रह जाना, जिद बना दे, जीद करा दे, यार मेरा साया, नांझड़ मेरा, माही मेरा, ढोल मेरा साया। तुमको क्या लगता है कि अपना फैसला इतनी आसानी से बदल देगी? तो फिर आप भी एक बात सुन लें, मैं भी खान खानदान का हूँ और ये मेरा फैसला है कि मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा। कौन है वो लड़की? मानूर नाम है उसका, ज़ेबुनिसा की पोती। ज़ेबुनिसा? मानूर मेरे खिलाफ बयान क्यों देगी? वो मेरी बेटी है। कोई भी बेटी अपनी माँ के खिलाफ तो बयान नहीं देगी ना। उससे ज्यादा अच्छी तो आप हैं। सी, मुस्करा के तो मिलती है ना। अम्मा, अम्मा आपके लिए खाना लगा दूं? भूख नहीं है मुझे। उफ अम्मा, मुझे लगता है मैंने गलती की आपको बताकर। 2-3 दिन हो गए आप ऐसे गुमसुम बैठी हुई। तुझसे कोई गलती नहीं हुई, गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तेरे अब्बा से अदील की बातें छुपाई। अभी लवजह परेशान हो रही है, देखिएगा 2-3 दिन का जोश है खुद ही उतर जाएगा। तू अपने अब्बा के खानदान को नहीं जानती, बड़े जिद्दी लोग हैं। अगर एक दफा जिद चढ़ जाए ना तो ये अपना फैसला कभी नहीं बदलते। तो अम्मा फिर सोचिए, अगर अदील भाई सच बोल रहे हैं कि वो लड़की अदील भाई से प्यार करती है, तो इस इलाके की शहजादी आपकी बहू और मेरी भाभी बन के इस घर में आएगी। हाँ मत देखो, जब आंखें खुलती हैं ना तो बड़ी तकलीफ होती है। खाब टूटते, दुनिया में ऐसा ही होता है। आपने फिल्मों में नहीं देखा, बहुत सी कहानियां भी बनी हैं इस पर। अरे फिल्मी कहानियों का हमारी असल जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। तू हवेली वालों को नहीं जानती, बड़े जालिम लोग हैं ये। ज़ेबुन्निसा और उसके खानदान वाले भेड़िए हैं, भेड़िए, इंसान की खाल में भेड़िए। क्यों अम्मा, उन लोगों ने ऐसा क्या किया? क्या नहीं किया उन्होंने? अरे उस खानदान में जुल्म और खून रेजी के सिवा और है ही क्या। मुझे अदील की फिक्र नहीं है, फिक्र तो मुझे ये है कि जब तुम्हारे अब्बा को पता चलेगा तो क्या होगा। असल चोट तो उन्होंने खाई है ज़ेबुन्निसा के हाथ। बाबा ने चोट खाई ज़ेबुन्निसा से? मैं कुछ समझी नहीं अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा। क्या बात है, ये तुम्हारा मुंह क्यों लटक रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। भाई सर में दर्द हो रहा है तो वो अलमारी में दवाई पड़ी हुई ना हकीम की, वो ले लो। हकीम की दवाई खाऊंगी ना तो ना सर रहेगा और ना सर का दर्द। बताओ भला, सुन लिए बात? वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल।
ये मुमकिन नहीं है वलीद खान। मैंने सारी जिंदगी बैंक से कर्जा नहीं लिया और ना आइंदा कभी लूंगी, समझे? तो ठीक है बीजा, फिर कर्जा आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको वापस कर दूंगा। हाँ जरूर दूंगी, लेकिन अभी नहीं, आबिद खान की फैक्ट्री संभालने के बाद। फिलहाल ये मुमकिन नहीं है बीजा, वलीद खान के होते हुए आबिद खान फैक्ट्री नहीं चलाएगा। मैं क्या हो गया? मैं किसी गैर को नहीं, तुम्हारे बेटे के हवाले कर रही हूँ फैक्ट्री। बीजान, दरअसल आप बेटे को बाप के मुकाबले में खड़ा करना चाहते हैं। देखो वलीद खान, मुकाबला तब होता जब तुम फैक्ट्री चला रहे होते, आबिद खान के बाद तुमको फैक्ट्री छोड़नी पड़ेगी। नहीं 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 बीजान, नहीं, इसका आपको इख्तियार नहीं है। क्या कह रहे हो वलीद खान, क्या कह रहे हो? क्या जानते नहीं हो तुम कि एक कानूनी वारिस मैं हूं इस फैक्ट्री की? बीजान, अगर आप फैक्ट्री की मालिक होती तो बैंक हमें कर्जा जारी ना करता। क्या मतलब? मतलब वाजे है बीजान, कॉटन फैक्ट्री वलीद खान के नाम है। ऐसे कैसे हो सकता है, कागजात मेरे पास हैं। बीजान, वो कागजात अब सिर्फ रद्दी की टोकरी है, बैंक हमारे कागजात कबूल कर चुका है। तो जाली कागजात बनवा लिए तुमने, और तुम्हें पता है ना वलीद खान कि इस जुर्म के लिए तुम्हें सजा भी हो सकती है। तो करें ना, करें कंप्लेन, FIR कटाएं वलीद खान के नाम। याद रखें बीजा, अगर दामन से चादर हटाओ ना तो अपना ही पेट नंगा होगा। बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत किया वलीद खान, मुझे धोखा देकर तुमने बहुत गलत किया। तुम नहीं जानते कि मैं धोखा देने वालों के साथ क्या सलूक करती हूँ। आप कुछ नहीं कर सकती बीजान, कुछ नहीं कर सकती। और याद रखें बीजान, अगर आपने अपनी जिद ना छोड़ी तो मेरा नाम भी वलीद खान है, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। मचानी, चचा जान ने बहुत गलत हरकत की है, लेकिन जो कुछ उसने किया है उसका नतीजा उसे भुगतना तो पड़ेगा। कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, वो गैर नहीं, आपके बहुत सारे रिश्ते हैं उनसे। अपना हो या गैर, मैंने अपने उसूलों पे कभी समझौता नहीं किया। जिसने मेरे सामने सर उठाया उसका सर बाकी नहीं रहता, चाहे उससे मेरा कोई भी रिश्ता हो। बहुत गलत, बहुत गलत, बहुत गलत। कुछ भी नहीं बदला, वही दरख्त, वही परिंदे, वही मिट्टी और वही खुशबू। बदलता तो सिर्फ इंसान है, कुदरत कहाँ बदलती है। क्या डायलॉग मारा आपने, लेकिन मेरा ख्याल है महानूर कभी नहीं बदलेगी। अगर महानूर मेरी तरह इतनी बड़ी जायदाद की मालकिन ना होती तो आप उससे कभी भी शादी नहीं करते। ठीक कहा तुमने, सच्चाई तो यह है कि मुझे मानूर से ज्यादा तुम पसंद हो।
जानती हूं, आपको तो हर दूसरी लड़की पसंद आ जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर मजबूरी ना होती तो मैं महनूर से कभी शादी ना करता। लेकिन सच तो यह है कि मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता। मतलब मैं समझी नहीं। हमारे खानदान में एक से ज्यादा बीवियां रखना आम बात है। एक्सक्यूज मी मिस्टर आबिद, महनूर मेरी कजन से ज्यादा मेरी बहन की तरह, उसके हक पे डाका डालने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। ठीक है, मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचिए। आप कहाँ छुपे हुए थे? वहां पे मच्छरों ने काट काट के हशर बुरा कर दिया है। आहिस्ता, और मैं माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। नहीं, इट्स ओके। आपको पता है जब हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती है ना, तो पूरी पूरी रात हमें मच्छरों से जंग लड़नी पड़ती है। लाइट भी जाती है आपके यहाँ? सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पूरे शहर में जाती है, सिर्फ आपकी हवेली छोड़ के। अच्छा, बाहर ऐसा भी होता है? मुझे तो पता ही नहीं। बाहर बहुत कुछ होता है नूर, लेकिन आप जैसे बड़े लोगों को कुछ पता नहीं होता। आप प्लीज इस तरह से नहीं कहें, मुझे कभी भी इस हवेली में रहना पसंद नहीं था। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं आपकी तरह, सबकी तरह आजादी से घूमूं फिरूं, बाहर जाऊं, शॉपिंग करूं, किसी ढाबे पर बैठकर अच्छे से चाय पीऊं, मोटरसाइकिल पर बैठूं। रियली, आपको मोटरसाइकिल पसंद है? बहुत ज्यादा। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं खुद ही मोटरसाइकिल चला लूं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब मैं आपकी जमीनों पे आऊंगा ना, तो आपको मोटरसाइकिल चलाना सिखा दूंगा। ऐसा मुमकिन नहीं है, वहां मुलाकात हो जाती है, इतना ही काफी है। और वैसे भी अब से आबिद खान मेरे साथ जाएगा जमीनों पर। तो बहुत बुरा हुआ। इससे ज्यादा बुरा तो अभी होगा। यानी शादी के बाद मैं कभी आपको देख भी सकूंगी या नहीं? और आप ही शादी करना चाहती? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता? अम्मा जाने का हुक्म है, मानना तो पड़ेगा। अगर आप ही हुक्म ना माने तो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा करने का मैं सोच भी नहीं सकती। क्यों नहीं सोच सकती नूर? अम्मा जानी भी तो एक इंसान ही है ना, कोई खुदा तो नहीं है? जब खुदा ने इंसान को अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की शादी करने की इजाजत दी है, तो अम्मा जानी कौन होती? काश पापा जिंदा होते तो कितना सुकून होता। अगर पापा नहीं है तो मम्मी तो जिंदा होंगी ना, आप उनके पास क्यों नहीं चली जाती? मैं नहीं जानती मामा का, लेकिन जब भी मिलेंगी उनसे पूछूंगी जरूर कि पापा ने ऐसा क्या किया था जो मामा ने पापा को मरवा दिया।
ये किसने कहा आपसे? सब कहते हैं, अम्मा जानी, चाचू, सब लोग। ऐसा कुछ नहीं है नूर, पूरा इलाका जानता है कि उनको जायदाद के चक्कर में मरवाया गया था। सारा इल्जाम आपकी माँ पे लगा दिया क्या? हकीकत क्या है ये तो मामा ही बता सकती है, और मैं उन्हें नहीं ढूंढ सकती। लेकिन मैं तो उन्हें ढूंढ सकता हूँ नानूर, तुम्हें मुझे भरोसा करना पड़ेगा, पर बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। अगर आपको आबिद खान पसंद नहीं है तो मना कर दें अम्मा जानी को। वैसे जोर जबरदस्ती का निकाह तो जायज नहीं। बारदाना 5,000 से कम मत लेना, और मिल मालिक को बोल देना कि पिछली मरतबा भी माल खराब था, अगर इस बार ऐसा हो गया ना तो हम लोग उसको गंदुम नहीं देंगे। पहले भी बोला था, अब दोबारा बोल देंगे। ठीक है, अब वो गोदाम में स्प्रे कराओ, सफाई कराओ, बंदे टाइम पर पारिग नहीं होते हैं। आप फिक्र मत करें, सफाई का काम शुरू कर दिया गया। ठीक है, शाबाश। रहीम गुल, बेगम साहबा, बेगम साहबा कैसे हैं आप? रहीम गुल, मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन आप यहां अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। और क्या गजब होगा? मेरा शौहर कत्ल कर दिया गया, मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, जान के खौफ से सारी जिंदगी छुप छुप के गुजारी। बहुत जुल्म हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रहीम गुल, मेरी बेटी नूर कैसी है? बहुत अच्छी, हम तो माशाल्लाह जवान हो गई है, हवेली में रौनक उसी एकदम से। वो मुझे अपनी माँ को तो याद करती होगी ना? कैसी बात कर रही है बेगम साहबा, ये भी कोई पूछने की बात है? शुरू शुरू में तो वो बिन पानी मछली की तरह तड़पती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको सबर आ गया। वो अक्सर आपका जिक्र करके उदास हो जाती, आपके बारे में पूछती रहती। रेमंड, आप एक माँ को उसकी बेटी से मिलवा सकते? बहुत मुश्किल है बेगम साहबा, छोटी मालकिन बड़ी मालकिन की इजाजत के बगैर हवेली से नहीं निकल सकती, और जब निकलती है तो उसके साथ बहुत सारे गार्ड होते हैं। कोई तो रास्ता होगा ना, क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते? मेरे इख्तियार में होता तो मैं जरूर कर। वो अपनी जमीनों पे तो जाती होगी ना? वो जमीनों पर भी आती है तो बड़ी मालकन के साथ होती है। रहीम गुल, मुझे आपसे बहुत उम्मीद थी, आपने तो मायूसी कर दिया मुझे। नहीं नहीं बेगम साहबा, ऐसी बात मत कर, आप हमारे छोटे खानजी की बीवी है, आपका हुक्म हमारे लिए छोटे खानजी के हुक्म के बराबर है। मगर ये नामुमकिन है, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे छोटी मालकिन और आपकी फिक्र। 18 साल मैंने उसको कैसे अराफत से बचा कर पाला, ये मैं जानता हूं। मैं जानती हूं रेम, उस हवेली में एक आप ही तो हैं जो उसके अपने हैं, और मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भुला सकती। मैंने फैसला कर लिया, मैं अपनी बेटी मानूर को यहां से वापस लेकर चली जाऊंगी। लेकिन कैसे बेगम साहबा? रहीम गुल,
ज़ैबुन्निसा के जुल्म की रात अब खत्म होने वाली है। वो और जो जो शख्स मेरे शौहर के कत्ल में शामिल थे, जिसने मेरी बेटी को मुझसे छीना, उन सबको अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन आप ये कैसे करेंगी? आप बड़ी मालकिन को नहीं जानती। बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा? लेकिन सोच ले बेगम साहिबा। मैंने सोच ली। अब फैसला आपको करना है रहीम कुली। आप मजलूमों का साथ देंगे या जालिमों के साथ जाके खड़े होंगे? मैं तो हमेशा छोटे खान जी के साथ था और आज भी उनकी निशानी छोटी मालकिन की हिफाजत कर रहा हूं। अगर वो हवेली में नहीं होती तो मैं कब का हवेली छोड़ के जा चुका होता। मुझे मालूम है, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप हमारा साथ देंगे। मैं अब चलती हूं, फिर वापस आऊंगी। अल्लाह हाफिज़। आप क्या सारी रात ऐसे ही टहल कर गुजार देंगे? आपने सोना नहीं आकर? तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। आप सारी रात यूं ही अपने दिमाग पर बोझ डालते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, फिर नींद भला कैसे आएगी? समझ में एक बात नहीं आ रही, बीजान मुझसे चाहते क्या है? एक तरफ मुझे आबिद खान और मानूर की शादी के लड्डू देती है, दूसरी तरफ मेरी ही टांगे खींच रही है। सियासत इसी को तो कहते हैं। कुछ तो सीख लें उस औरत से, आपको आज तक ये होशियारी वाली बातें क्यों नहीं समझ में आती? तो तुम क्या चाहते हो कि मैं बीजान के हर फैसले के सामने घुटने टेकता रहूं? आज वो फैक्ट्री ले रही है, कल को जमीनें भी ले रही। नाक को इस हाथ से पकड़ा जाए या इस वाले से, बात एक ही होती है। वो फैक्ट्री दे भी रही है तो आबिद खान को, उसके बावजूद भी मालिक तो उसके आप ही रहेंगे, इसमें बुराई क्या है? बेवकूफ औरत, तुम्हारे दिमाग में भेजे नाम की कोई चीज है कि नहीं है? आबिद खान सिर्फ नाम का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, हुक्म चलेगा बीजान का, जो कि मेरे होते हुए नहीं चलता। इन सारी बातों से क्या फर्क पड़ता है? दामाद तो वो नाम का नहीं होगा ना, असल कागजात पर उसका निकाह पढ़ाया जाएगा। मेरे ख्याल में तो इस वक्त आपको बीजान को नाराज नहीं करना चाहिए। भले इसके बदले वो जितनी चाहे मेरी बेइज्जती करवाए, एक दो टके का बैंक ऑफिसर मुझे वलीद खान से कहता है कि कर्जा नहीं मिलेगा इसलिए कि बड़ी बेगम साहिबा ने मना फरमाया। इन सारी बातों का बदला आप बाद में भी ले सकते हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीख ले। वैसे भी इस टाइम पर बीजान को इतना नाराज मत करें कि वो जिद में आकर निकाह की बात से ही फिर जाए। नहीं, बीजान ऐसा कभी नहीं करेगी। अगर बीजान ने ऐसा किया तो वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेगी। मत भूला करो तुम लोग, तुम का पत्ता मेरे हाथ में। I am the game changer. बीजान की ऐसी थी तैसी।
रहीम गोल, रहीम गोल कहाँ जा रहे हो? वो बड़े खान के पास जा रहा हूँ, उनकी मसाज का टाइम हो गया। क्या बात है रहीम गोल, आजकल तुम कुछ खोई खोई से रह रहे हो। नहीं नहीं मालकन, ऐसी तो कोई बात नहीं है, कुछ दिनों से तबीयत बोझल सी है। वो तो मैं देख रही, यही तो मैं पूछ रही हूं कि वजह क्या है। देखो रहीम गुल, मुझे तुम्हारा ये रवैया पसंद नहीं आ रहा। मैं तुमको पहले की तरह चाकू चौबंद देखना चाहती हूं। मैं कोशिश करूंगा, अगर बड़ी मालकन इंसान एक परिंदा भी पालता है तो उससे मोहब्बत हो जाती है, छोटी मालकन तो फिर इंसान है, दुख तो होता है ना। क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्यों दुख हो रहा है तुम्हें? छोटा मुंह और बड़ी बात है, छोटी मालकन का ब्याह हो रहा है, उसका मां उसके साथ नहीं। रहीम गुल, मुझे मर्दों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, और फिर छोटा मालकिन तुम्हारी बेटी तो नहीं है, फिर तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? मुझे देखो, मेरा बेटा मुझसे छिन गया, मेरी आंख में एक आंसू नहीं आया, और तुम इसके गवाह हो रहीम गुल। तुम्हारा और आपका क्या मुकाबला, हम छोटे और कमजोर लोग हैं, जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर तुम्हें यकीन होना चाहिए कि मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया। आप मालिक हैं, हम आपको गलत कैसे कह सकते हैं? काश तुम्हारा छोटा खान जिंदा होता। अगर तुम्हारा छोटा खान जिंदा होता तो यह हवेली इतनी वीरान ना होती। मैं तुम्हारे मोहब्बत की और तुम्हारे ख्याल की कदर करती हूं, लेकिन जो हो गया सो हो गया, तुम मेरे जख्मों को ताजा मत किया करो। जो हुक्म मालकन। जाओ, बड़ा खान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसके मसाज का वक्त हो गया, जाओ। अच्छा लग रहा है ना दादू? अम्मा जानी मुझे कोई काम करने ही नहीं देती, वरना मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। अरे छोटी मालकन, आप ये क्या कर रही हो? दादू के हाथ में दर्द था इसलिए दबा रही हूँ। लेकिन ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है। मालकिन ने देख लिया ना, हमारा काल किचवा के बूस भर देगी। कुल बाबा, कुछ नहीं होता, देखे दादू कितने खुश हैं, आपको अच्छा लग रहा है ना? आखिर पोती है ना, औलाद खिदमत करे तो किसको अच्छा नहीं लगता। तो फिर करने दीजिए। छोटी बीबी मान जाओ, हम करने दो ना, तुम्हारी मेहरबानी। कुल बाबा, आप तो चाहते नहीं कि मैं दादू की खिदमत करूँ। मान जाओ छोटी मालकन, मान जाओ ना,
ठीक है, आप संभाले दादू को, मैं इनके लिए अच्छी सी चाय बनवाती हूँ। आप? हाय। आपको मना किया था ना यहाँ आने से, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोग तो हमेशा मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। लोगों का सोचोगी ना तो जिंदगी खराब हो जाएगी। बैठो गाड़ी में। आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि आप मर्द हैं, लेकिन एक लड़की के लिए ऐसा सोचना मुमकिन नहीं। अच्छा अच्छा, इससे पहले लोग सोचना शुरू करें, गाड़ी में बैठो। कहाँ जाना है? आगे चलना, बात करनी, यहाँ से तो चलो प्लीज। आओ। आखिर आप इस तरह की बातें सोचते कैसे? दादी माँ को अगर भिनक भी लगी ना तो आपकी मानूर से शादी तो दूर, आपका यहाँ रहना भी मुश्किल कर देगी। ये जबरदस्ती की शादी होगी मनीषा। अगर मुझे पापा का प्रेशर ना होता तो मैं ये शादी बिल्कुल भी ना करता। और आखिर तुम दादी से इतना डरती क्यों हो? बात डर की नहीं है, बात एहसानात की है। अम्मी अबू की मौत के बाद अगर वो मेरे सर पे हाथ ना रखती तो कहाँ जाती मैं? ये तुम्हारी गलत फहमी है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दादी अम्मा ने सिर्फ तुम्हारे सर पे नहीं, तुम्हारे बाप की जमीनों पे भी हाथ रख दिया। कभी पूछे तुमने उनसे कि तुम्हारे बाप की कितनी जमीनें थी? जमीनें थी ही कितनी हमारी, और उससे की इनकम से तो पाला है उन्होंने मुझे। तो फिर एहसान की क्या बात है इसमें? बल्कि तुम्हें उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारे बाप की कितनी जमीनें थी और अब कितनी रह गई। ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। भरोसा है दादी पर? भरोसा? भरोसा या खौफ? शायद खौफ। हर कोई दादी से डरता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, इज्जत है। इज्जत क्यों है? पैसे की वजह से हर कोई उनसे झुक के मिलता है। तुम नहीं चाहती कि तुमसे भी लोग ऐसे डरे जैसे दादी से डरते? बोलो। जो हो नहीं सकता इंसान उसके बारे में क्या सोचे? हो क्यों नहीं सकता? दादी ने हमेशा जिंदा तो नहीं रहना? तो है ना उनकी जानशीन मानू। मानू तो है, लेकिन उसकी जगह तुम भी आ सकती हो। अगर मुझ पे भरोसा करो। वलायती खाद अपनी जगह, लेकिन देसी खाद की तो अपनी ताकत है। 150 ट्रक डलवाए हैं मालिकन देसी खाद के। 700 एकड़ बाग में सिर्फ 150 ट्रक? मालिकन वो सीजन की वजह से ट्रक दस्तयाब नहीं थे। ये 150 ट्रक भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं। इसी वजह से तो फूल ठीक नहीं आ रहा दरख्तों पर। वो अगले साल नुकसान पूरा कर देंगे। नुकसान जो एक दफा हो जाए
वो कभी पूरा नहीं होता रहीम बोलिए, हमेशा याद रखना। ये कुछ सीख भी रही है या यूं ही सैरिंग करती फिर रही? नहीं नहीं मालकन, छोटी मालकन सीख रही है काम को और दिलचस्पी ले रही है। कहाँ थी इतनी देर कर दी? मुझे देखकर गांव की कुछ औरतें मेरे पास आई थी, अपने मसाइल बताने लगी थी। बीबी मेहरबानी करो, ये मसाइल मसाइल ना सुना करो, इन लोगों की आदत होती है, ये हमेशा रोते रहते हैं, ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है इन्हें, समझे आप? अम्मा जानी मैंने सिर्फ उनकी बात सुनी थी, बता रही थी कि तालाब का पानी अब इस्तेमाल के काबिल नहीं है, दोबारा पक्का कराना होगा। सदियों से ये इसी कच्चे तालाब को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पक्के तालाब इनको नहीं चाहिए। अम्मा जानी वो तालाब मैंने खुद भी देखा है, गाय भैंसों ने तोड़ फोड़ की है, हर जानवर वहाँ से पानी पीता है, इसीलिए उनके लिए अलग तालाब। ये ज़रा मेहरबानी कीजिए आप, ये अपने बाप की तरह उनको सर पे मत बिठाओ, उनकी आदतें मत खराब करो, समझाई? वरना याद रखना ये हर रोज एक नया मुतालबा लेकर आएंगे तुम्हारे सामने। ये लोग गंदगी में पैदा होते हैं बीवी, और उसी में खुश रहते हैं। अब ज्यादा बेहतर समझते हैं। देखो मानू, जो बातें मैं तुम्हें बता रही हूँ ना या बताती हूँ, उनको अच्छी तरह से जहन में रखा करो, समझी? मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि तुम जमीनों के मामलात में आबिद की मोहताज हो। रेमगुल गाड़ी लगवाओ। जी बेहतर मालिकन, चलो मुझे। आबिद खान, मेरा शिकवा कर रहा था तुम्हारे एटीट्यूड का, तुम्हारे रवैये का। कैसी शिकायत? मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा। उसकी ख्वाहिश है कि तुम जमीनों पे उसके साथ आया करो, और तुम उसके साथ आती नहीं। अगर वो अपनी हद में रहे तो मुझे उनके साथ आने में कोई एतराज नहीं। तो उसको हद दिखाना और लगाम देना तो तुम्हारा काम है ना। अगर आज उसे औकात में रखोगी तो कल परेशान नहीं करेगा वो। क्या उसे घर से भगा लेगा? हो सकता है, भगाना पड़ जाए। बीजान ये आपसे माफी मांगने के लिए, इनको अपनी गलती का एहसास है और ये बहुत शर्मिंदा है। आप जो भी फैसला करेंगी ये कबूल करेंगी। और हाँ ये खुशखबरी बताना भूल गया, हुमायूं की पोस्टिंग यहाँ होगी। हुमायूं कौन? तुमने बताया तो था, मेरे दोस्त का बेटा है, बड़ा दबंग अफसर है। ठीक है ठीक है ठीक है, मिल जाएगी तुझे आजादी, लेकिन बशीर तुझे करना वही होगा। महल मना रहे लाख बना ले, महल मना रहे लाख बना ले, बसा तो क्या इश्क दा बंदिया फड़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना, जिद बना दे जीद करा दे, यार मेरा साया नांझड़ में।